हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर। तो आते आज के पहले करंट अफेयर पे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में हो गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में कहाँ? अस्ताना में। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान में कहाँ? अस्ताना में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, भारत ने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया है जिसे बोलते हैं सागर। तो सागर कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोज किया है? तो इंडिया ने। किसके लिए? फॉर द इंडो पैसिफिक। और सागर का मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो आपको सागर का मतलब पता होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। किसने प्रपोज किया है? इंडिया ने। किसके लिए? फॉर द इंडो पैसिफिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 23 अप्रैल, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल, ऑप्शन डी है 26 अप्रैल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 25 अप्रैल को। 2022 की थीम क्या है? IP एंड द SDG बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो थीम क्या है 2024 की? थीम है IP एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये थीम आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, SJVN ने किस राज्य में राष्ट्र के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ मील का पत्थर स्थापित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ? झाकड़ी। SJVN ने किस राज्य में राष्ट्र के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ मील का पत्थर स्थापित किया? तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के छात्र की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वॉन्ट्स टू नो को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के ला सीने प्रतिस्पर्धी खंड में चुना गया है, उस छात्र का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चितानंद नाइक, ऑप्शन बी है अभय भारद्वाज, ऑप्शन सी है अमन शर्मा, ऑप्शन डी है श्रीधर नटराजन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चितानंद नाइक। FTII के छात्र की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वॉन्ट्स टू नो को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के ला सीने प्रतिस्पर्धी खंड में चुना गया है, उस छात्र का नाम क्या है? तो चितानंद नाइक ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह कांस के ला सीने सेक्शन में चुनी गई एकमात्र भारतीय फिल्म है, और इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और यह पहली बार है जब एक वर्षीय टेलीविजन पाठ्यक्रम के किसी छात्र की फिल्म को प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेट साइबर ब्रंट किस देश से 2024 में विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली
पहली महिला बन गई है। तो किस देश से खेलती है? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंग्लैंड। नेट साइवर ब्रंट किस देश से 2024 में विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई है? तो इंग्लैंड से ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और पुरुषों में कौन बने हैं 2024 की बात हो रही है? तो पैट कमिंस, पुरुषों में पैट कमिंस। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महिला में कौन बनी है विस्टर्न अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया 2024 में? तो नेट साइवर ब्रंट कहाँ से है? इंग्लैंड से है, पहली महिला बनी है इंग्लैंड से। और पुरुषों में किसने जीता है? पैट कमिंस ने, पुरुषों में पैट कमिंस है। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। और ये दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बने हैं। अब पहले कौन थे? तो सबसे पहले किसे मिला था? माइकल क्लार्क को। सबसे पहले किसे मिला था? माइकल क्लार्क को, माइकल क्लार्क। कब मिला था? 2012 में इन्होंने जीता था यह अवार्ड। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा बार जीता है बेन स्टोक ने, बेन स्टोक ने सबसे ज्यादा बार जीता है, तीन बार। कब कब? तो 2020, 2021 और 2023। और इस बार ट्रेविस हेड को मिला है, शानदार खिलाड़ी है ट्रेविस हेड, इनको टेस्ट के लिए मिला है, टेस्ट के लिए अवार्ड मिला है। और एक है हेले मैथ्यूज, इनको मिला है T20 के लिए, ठीक है, T20 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है डेनमार्क। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किनके बीच हुआ है साइन MOU? तो हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लोकेटेड इन रसिया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये गांधीनगर बेस्ड है, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है? तो फ्रांस की कंपनी है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जर्मनी और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के विस्तार दर के माप में विसंगति के लिए एक मौलिक स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया है, जिसे कहा जाता है साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी एंड द यूके हैव प्रपोज्ड ए रेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिस्क्रेपेंसी इन द मेजरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट, इट इज नोन एज। आपके पास ऑप्शन है हबल टेंशन, ऑप्शन बी एक्सॉन टेंशन, ऑप्शन सी आइंस्टीन टेंशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हबल टेंशन। साइंटिस्ट फ्रॉम जर्मनी एंड द यूके हैव प्रपोज्ड ए रेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिस्क्रिपेंसी इन मेजरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट नोन एज हबल टेंशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हबल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? हबल कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट बोलते हैं।
और इसे डिनोट करते हैं एच जीरो से, ठीक है। यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट क्या बोलते हैं इसे, हबल कांस्टेंट बोलते हैं, एच जीरो से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, एग्जाम में पूछ सकता है यूनिट क्या होती है, स्पेशली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछ सकती है एग्जाम में। तो इसकी यूनिट होती है किलोमीटर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा है। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। मेगा पार्सेक यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट, हबल कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। या आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट इज हबल टेंशन, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द, ऑप्शन में आ सकता है आपके, बिटवीन द मेजरमेंट ऑफ द रेट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स हिंदी में क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड के विस्तार की दर के मापन के बीच विसंगति। और यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट क्या, हबल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हबल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। तो यूनिट आपको याद रखना है, आपका इंपॉर्टेंट है। हबल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने पियोलजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है। आपके पास ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर यहां पे होगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने पियोलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उत्तर कोरिया ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने किस शहर में तीसरी द्विवार्षिक पैन कॉमनवेल्थ लोक सेवाओं के प्रमुखों सचिवों से लेकर कैबिनेट बैठक में भाग लिया है। देखो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि आपका तीसरा द्विवार्षिक पैन कॉमनवेल्थ लोक सेवाओं के प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई। आपके पास ऑप्शन है संघाई, ऑप्शन बी है मास्को, ऑप्शन सी है लंदन, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लंदन। और इसकी थीम क्या थी, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी। तो थीम आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, हिंदी में क्या बोलेंगे, सेवा वितरण में सुधार के लिए स्मार्ट सरकार का संस्थागतकरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में आया सेंग खिहलंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। आपके पास ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी नागालैंड। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेघालय। और ये 34th एडिशन था। इसके अलावा खासी जनजाति मनाती है, हाल ही में खबरों में आया सेग खिहलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेघालय में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने विश्व सैन्य व्यय में रुझान ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी की। आपके पास ऑप्शन है नाटो, ऑप्शन बी है सिप्री, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है IMA। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिप्री। हाल ही में किस संगठन ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी की, तो सिप्री ने। सिप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल
पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। सिपरी स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, भारत चौथा लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है वैश्विक स्तर पे, ग्लोबली हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, सैन्य व्यय। तो आपको याद रखना है भारत कौन से स्थान पे है वैश्विक स्तर पे मिलिट्री स्पेंडर या सैन्य व्यय में, तो भारत चौथे स्थान पे है। भारत ने कितना व्यय किया, स्पेंड किया, तो 83.6 बिलियन USD, जो कि 2022 के कंपेयर में कितना ज़्यादा है, 4.2% हायर है। इसके अलावा अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो 7% से व्यय इंक्रीज हुआ है, जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये ग्रीव हुआ है 7% से, कितना 2.43 ट्रिलियन USD 2023 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। टॉपिक कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये वैसे टॉपिक है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रसिया है और चौथे पे भारत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ACC पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राची यादव, ऑप्शन बी अनामिका सिंह, ऑप्शन सी है श्वेता अग्रवाल, ऑप्शन डी है निहारिका यादव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्राची यादव। और ये कहाँ पे हुआ था, ACC पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024, तो जापान टोक्यो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में खबरों में था, यह किस महाद्वीप में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंटार्कटिका। ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में खबरों में था, यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंटार्कटिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा ये न्यूज़ में क्यों हुए, जो वोल्केनो माउंट एरेबस है तो इसमें से डेली $6,000 मूल्य का सोना निकल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रेवली किस प्रजाति से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांप स्नेक, ऑप्शन बी है मेंढक, ऑप्शन सी है तितली, ऑप्शन डी है मछली फिश। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी मछली। हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रेवली किस प्रजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मछली। और इसे किसने डेवलप किया है, CMFRI ने, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस लेखक ने हाल ही में नाइफ जारी की, नाइफ एक पुस्तक है जो 2022 के हमले के बाद उनकी पहली पुस्तक है, जिसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आंशिक रूप से अंधा कर दिया गया था। तो सही आंसर क्या होगा, सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एग्जाम में सीधे आपसे पूछ सकता है कि नाइफ पुस्तक के ऑथर कौन है, तो सलमान रुश्दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने किस देश को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है नेपाल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालदीव। हाल ही में भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने किस देश को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालदीव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बार्सिलोना स्पेन में। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो बार्सिलोना स्पेन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत ने यहाँ पे एक अपना प्रपोजल दिया, आइडिया दिया है किसके लिए, फॉर डिजाइनिंग रीजनल ओशियन ऑब्जर्वेशन टू बेटर अंडरस्टैंड डीप इकोसिस्टम, तो ये भी याद रखना है। और इसकी थीम क्या थी, ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 की थीम क्या थी, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट, तो ये आपको याद रखना है। थीम क्या थी, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ने
प्रोक्लेम्ड किया था 2021 से 30 को एज द यूनाइटेड नेशन डिगेट ऑफ द ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021-30 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 23 अप्रैल, ऑप्शन बी है 25 अप्रैल, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल, ऑप्शन डी है 27 अप्रैल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 23 अप्रैल को। और 2024 की थीम क्या है? रीड योर वे, ये इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ सकते हैं एग्जाम में। और आज के आखिरी कैलेंडर फेयर पे आते हैं। गेबांग गात हिमनदी झील जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश में। गेबांग गात हिमनदी झील जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।